HDFC Ergo का Optima Secure वन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ट प्लान में से एक है, जिसमें कि फीचर्स ओवरलोडेड भरे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम Optima Secure के सारे फीचर्स के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, सर्टिफाइड फाइनेंशियल गोल प्लानर एंड MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। यदि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ टर्म इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस प्लान की जो USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, हम उसके बारे में बात करते हैं। इसका जो सबसे यूनिक बेनिफिट है सिक्योर बेनिफिट। इसका मतलब यह है कि जब भी आप इस पॉलिसी को बाय करते हैं, इमीडिएटली डे वन से आपका जो सम इंश्योर्ड है डबल हो जाता है। इसके लिए ना ही कोई कंडीशन है, ना ही ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है कि किसी क्लेम के होने के बाद इसका बेनिफिट मिलेगा। आपके पॉलिसी के बाय करते ही इमीडिएटली आपका जो सम इंश्योर्ड है डबल हो जाएगा। मतलब कि आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो इमीडिएटली आप 10 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं। अगला जो बेनिफिट है प्लस बेनिफिट, ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस हमें नो क्लेम बोनस देते हैं कि जब किसी ईयर में क्लेम नहीं होता है तो फिर हमें कुछ बोनस मिलता है। इस पॉलिसी में हमें प्लस बेनिफिट मिलता है, मतलब कि इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर क्लेम हमारा जो बेसिक सम इंश्योर्ड है फर्स्ट ईयर में 50% से इंक्रीज़ हो जाएगा एंड सेकेंड ईयर में फिर से 50% से इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब 2 सालों में हमारा जो बेसिक सम इंश्योर्ड है वह 100% से इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि क्लेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर क्लेम। एंड ये जो बेनिफिट है किसी क्लेम के होने पर रिड्यूस भी नहीं होगा। अगला जो बेनिफिट है रीस्टोर का बेनिफिट है, रीस्टोर, रीइंस्टेटमेंट, रिचार्ज या फिर रिफिल। इसमें क्या होता है कि जब भी किसी हॉस्पिटलाइजेशन के कारण यदि हमारा बेसिक सम इंश्योर्ड पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे पॉलिसी को फिर से रिफिल कर देती है उतने ही सम इंश्योर्ड से उसी पॉलिसी ईयर में किसी दूसरे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। तो प्लस बेनिफिट और सिक्योर बेनिफिट के अलावा रीस्टोर का बेनिफिट भी इस पॉलिसी में हमें अलग से मिलता है। अगला बेनिफिट है प्रोटेक्ट बेनिफिट। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ सिर्फ मेडिकल चार्जेस को कवर करते हैं, नॉन मेडिकल या फिर कंज्यूमेबल्स के जो चार्जेस होते हैं उन्हें कवर नहीं करते हैं। जिनके जो चार्जेस होते हैं कई बार हमारे क्लेम अमाउंट के 10-20% तक हो जाते हैं, तो इसके लिए हम अलग अलग पॉलिसीज़ में अलग से एड ऑन बाई कर सकते हैं, लेकिन इस पॉलिसी में यह फीचर इनबिल्ट है। यदि आप HDFC अर्गो की ऑप्टिमा सिक्योर लेते हैं तो सिर्फ आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है 4x या फिर 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि जब आप पॉलिसी बाई करते हैं तो इमीडिएटली आपको सिक्योर बेनिफिट मिलता है जो कि आपके सम इंश्योर्ड को डबल कर देता है। साथ ही रीस्टोर का बेनिफिट जो मिलता है जो कि आपके सम इंश्योर्ड को 3x कर देता है। और प्लस बेनिफिट मिलता है जो कि 50-50% आपके बेसिक सम इंश्योर्ड को इंक्रीज़ कर दे जाता है, जो कि 2 सालों में 100% हो जाता है। इसका मतलब कि 2 सालों में आपको 4x का कवरेज मिल जाता है। इसके अलावा अलग दूसरे फीचर्स की बात करें तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 60 and 180 days का कवरेज मिलेगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब कि जब भी हम हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो उसके पहले और डिस्चार्ज होने के बाद भी कुछ मेडिकल एक्सपेंस होते हैं जो कि हमारे पॉलिसी में कवर होंगे। उसके अलावा होम हेल्थ केयर की भी फैसिलिटी अवेलेबल है कैशलेस बेसिस पे। यदि हम हॉस्पिटलाइज्ड ना होकर अपने घर पे ट्रीटमेंट कराते हैं तो वह भी अवेलेबल रहेगा। डेली कैश फॉर शेयर्ड रूम मतलब कि हम प्राइवेट AC या सिंगल प्राइवेट रूम ना लेकर यदि शेयर्ड रूम लेते हैं तो कंपनी हमें कुछ कैश बेनिफिट पे करती है, क्योंकि जब हम शेयर्ड रूम लेते हैं तो हमारी जो ओवरऑल मेडिकल कॉस्ट है वह कम हो जाती है और इससे कंपनी को कम बिल पे करना पड़ता है। इसलिए कंपनी हमें कुछ कैश बेनिफिट पे करती है जो कि 800 रुपीज़ पर डे होता है, जो कि मैक्सिमम 4,800 रुपीज़ अवेलेबल रहेगा यदि हमारा हॉस्पिटलाइजेशन 48 आवर से ज़्यादा का है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की बात करें तो पॉलिसी होने के बाद कंपनी हमें फ्री हेल्थ चेकअप प्रोवाइड करती है, जो कि हमारे सम इंश्योर्ड के हिसाब से वेरी करेगा कि कितने सम इंश्योर्ड के लिए हमें हेल्थ चेकअप के लिए कितने चार्जेस मिल रहे हैं। अगला फीचर है ई ओपिनियन का, मतलब कि नेटवर्क हॉस्पिटल्स में किसी भी डॉक्टर से हम लिस्टेड 51 क्रिटिकल इलनेस से रिलेटेड कोई भी ई कंसल्टेशन कर सकते हैं, इसके चार्जेस कंपनी पे करेगी। अगला फीचर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, मतलब कि हॉस्पिटलाइजेशन से जुड़े सारे एक्सपेंस जैसे कि ICU एक्सपेंस, नर्सिंग एक्सपेंस, सर्जन फीस, रोड एम्बुलेंस चार्जेस एट्सेट्रा, यह सभी पॉलिसी में कवर होंगे। अगला फीचर है आयुष ट्रीटमेंट या फिर अल्टरनेट ट्रीटमेंट का।
मतलब कि ऐसे ट्रीटमेंट जैसे कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, इस टाइप के जो भी इन पेशेंट ट्रीटमेंट रहेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन रहेंगे, उसके ट्रीटमेंट भी इस पॉलिसी में कवर रहेंगे। अगला फीचर है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का, मतलब कि यदि पेशेंट की कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि उसे किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया जा सकता या फिर आसपास किसी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, तो हम डोमिसिलरी ट्रीटमेंट मतलब कि घर पे हॉस्पिटलाइजेशन जैसा ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगला फीचर है ऑर्गन डोनर एक्सपेंस का। ट्रांसप्लांट के केस में ऑर्गन डोनर पे भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, तो इस पॉलिसी में ऑर्गन डोनर के भी एक्सपेंस कवर रहेंगे। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस के चार्जेस भी कवर होंगे। अगला जो फीचर है एग्रीगेट डिडक्टिबल का, इसका मतलब यह है कि वंस इन अ पॉलिसी ईयर किसी भी क्लेम के टाइम पे आपको कुछ अमाउंट खुद से पे करना पड़ेगा और इस अमाउंट को पे करने पर कंपनी आपको कुछ डिस्काउंट पे करेगी, जो कि 20 लाख से कम की सम इंश्योर्ड वाली पॉलिसी पर 25,000 पे करने पर 25% का डिस्काउंट मिलेगा, 50,000 पे करने पर 40% का डिस्काउंट मिलेगा एंड 1,00,000 रुपये पे करने पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम पर। और यदि वहीं 20 लाख से ऊपर की पॉलिसी लेते हैं तो 25,000 पे डिडक्टिबल पे करने पर 15%, 50,000 डिडक्टिबल पे करने पर 30% एंड 1,00,000 रुपीज़ पे करने पर 40% का डिस्काउंट मिलेगा। यह याद रहे कि यह डिडक्टिबल हमें साल में सिर्फ एक बार पे करना है पहले क्लेम के समय, नेक्स्ट जो भी क्लेम होगा उसमें हमें कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा। पहले इस प्लान में हमें डिडक्टिबल को रिमूव करने का ऑप्शन नहीं था, लेकिन कंपनी ने अब इसमें चेंजेस किए हैं। अब यदि हम चाहें तो वंस इन अ लाइफ टाइम हम इस डिडक्टिबल को रिमूव कर सकते हैं, बाईबैक कर सकते हैं ये, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि पॉलिसी जो है कम से कम 5 सालों के लिए कंटिन्यूअस रहना चाहिए, 5 सालों के बाद हम डिडक्टिबल को रिमूव कर सकते हैं। इनबिल्ट फीचर्स के अलावा इस प्लान में हमें कुछ एडवांस भी मिलते हैं। जो पहला है हेल्थ क्रिटिकल इलनेस, मतलब कि 51 लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस के लिए हम अलग से क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी ले सकते हैं एक राइडर के रूप में, जिसके लिए हम 1,00,000 रुपये से लेकर 2,00,000 तक का सम इंश्योर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला राइडर है हेल्थ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। यदि हम हॉस्पिटलाइजेशन के समय कुछ कैश बेनिफिट चाहते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, तो इस एड ऑन को ले सकते हैं। अगला राइडर है अनलिमिटेड रिस्टोर का, मतलब कि नॉर्मल पॉलिसी में हमें वंस इन अ पॉलिसी ईयर रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिलता है, लेकिन यदि हम अनलिमिटेड टाइम चाहते हैं तो इस राइडर को ले सकते हैं। अदर फीचर्स की बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर में हमें 5,00,000 से लेकर 2,00,000 तक के सम इंश्योर्ड का ऑप्शन मिलता है। इस पॉलिसी में हमें इंडिविजुअल के साथ साथ फैमिली फ्लोटर का भी ऑप्शन मिलता है। फैमिली फ्लोटर में 4 एडल्ट्स एंड 6 चिल्ड्रन तक मैक्सिमम परमिसिबल हैं। इंडिविजुअल के केस में 6 एडल्ट्स एंड 6 इंडिविजुअल एक ही साथ एक ही इंडिविजुअल प्लान में रह सकते हैं, जिसमें हर इंडिविजुअल के लिए सेपरेट सम इंश्योर्ड अवेलेबल रहेगा। इस प्लान को हम 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए एक साथ ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट की बात करें तो पहले हमें इस प्लान के लिए अपफ्रंट पूरा प्रीमियम पे करना पड़ता था, लेकिन कंपनी ने हमें अब ऑप्शन दिया है मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली पेमेंट करने का। एज लिमिट की बात करें तो डिपेंडेंट चाइल्ड की मिनिमम एंट्री एज 91 डेज है एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है। इंडिविजुअल की बात करें तो 18 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स तक कोई भी इस प्लान को ले सकता है। पहले इस प्लान में 50,00,000 से कम की पॉलिसी में रूम रेंट पर एक कैपिंग थी सिंगल एसी प्राइवेट रूम तक की, लेकिन अब कंपनी ने इसे हटा दिया है। आप किसी भी सम इंश्योर्ड की पॉलिसी में किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। आई होप आप ऑप्टिमा सिक्योर के सारे फीचर्स के बारे में समझ गए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।